आज इस वीडियो में हम बात कोरोना वायरस की करेंगे। 2020 के अंत तक किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना हमें 2021 में फिर मिलने वाला है। अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक देश में लगभग 1,60,000 से ज्यादा मामले हमें रोज मिल रहे हैं, जबकि देश में जब 2020 में 200 से 300 मामले आ रहे थे तो देश में लॉकडाउन की तैयारी हो गई थी। और तभी एक न्यूज़ आई तबलीगी जमात को लेकर। और फिर क्या था, गोदी मीडिया चैनलों ने कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और इस मुद्दे पर काफी डिबेट भी हुई। लॉकडाउन की कोशिशों पर तबलीगी जमात ने पानी फेर दिया है और इसकी कीमत पूरे देश के लोगों को चुकानी पड़ी। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया विल हैव टू बी ब्रॉट डाउन विद इमीडिएसी एंड इफेक्टिवनेस। बोलेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा। शरफ अली और मेहर इलाही, आपने ऐसा क्यों किया? आपने सोचा नहीं कि सब जानते हुए भी आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? बुरा न माने, आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप मेरी बात पूरे देश में कोरोना फैला है। पूरे देश में कोरोना जो है आदमी की जात देख के नहीं आएगा। पूरे देश में मेरी बात सुनिए, कोरोना जो है किसी की जात देख के आपने क्यों फैलाई? आज हम तबलीगी जमात और मीडिया का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, क्योंकि हाल ही में हरिद्वार में कुंभ मेला जारी है और लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। आज जब कोरोना के मामले 1,00,000 से ज़्यादा आ रहे हैं और कुंभ मेला भी जारी है तो सवाल उठता है, अब वो गोदी मीडिया कहां है जो तबलीगी जमात पर 2020 में दोष लगा रहा था। गोदी मीडिया में कुंभ मेले को लेकर कोई डिबेट नहीं देखने को मिल रही है और ना ही कोरोना को लेकर कोई चिंता। क्या मजहब के आधार पर कट्टर पंथ को पालना क्या कुछ लोगों का शौक हो गया है? क्या इस्लाम के नाम पर गला काटने की बात सही? वैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना, आपकी निगाहें कहाँ है और निशाना कहाँ है? ये जो हाई वोल्टेज इलेक्शन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संतों पर लाठी चार्ज के लिए माफी मांगने वाले अखिलेश यादव अयोध्या नरसंहार को कैसे भूल गए? सबसे लड़िएगा। क्या माफी मांगने से सनातन धर्म के खिलाफ जो गुनाह किया है वो कम हो जाएगा? तुष्टिकरण की सियासत करने वाले कब तक सनातन आस्था के नाम पर ढोंग करते रहेंगे? क्या सरकारें कोरोना के मामले घटने के बाद बेफिक्र हो गई थी? क्या बीते एक साल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के दावे हवा हवाई हो गए? क्या कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आ गई है? आज तक पर रोहित सल्दाना ने अपनी डिबेट में कोरोना पर जरूर चिंता जाहिर की है और भाजपा नेता से गुस्से भरे लहजे में सवाल भी किए हैं। गुजरात की अदालत को यह क्यों कहना पड़ा, लोगों को लग रहा है कि भगवान भरोसे बैठे हैं, कोई सिस्टम नहीं है काम कर रहा? नहीं देखिए रोहित जी, सारे स्टेट्स काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की हालत है, बहुत सारे और स्टेट्स में भी इसी तरह की हालत है। देखिए महामारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया है पिछले दिनों में, पहले बार लॉकडाउन में नहीं था, अब कम से कम लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें मुहैया है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आज कठिनाई की स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही थी ना एक साल से। रोहित जी वही कह रहा हूँ कि पहली बार जब लॉकडाउन किया था तो उस वक्त हम एक अननोन चीज से लड़ रहे थे, उस वक्त देखिए कोई जानकारी नहीं थी, तो थोड़ी बहुत क्या इसका अंदाजा नहीं था, कमियां हो सकती है। क्या सरकार ने ये मान लिया था कि हम तो जीत गए, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वापस कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं, देखिए अगर स्थान देखें पूरे दुनिया में तो हमारा बहुत नीचे स्थान था, 100 के भी नीचे स्थान था, लेकिन आप देखिए आज हम कहां खड़े हैं। मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है। बढ़ती कोरोना महामारी पर चिंता वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी जाहिर की। अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में कोरोना को लेकर गुजरात और अन्य राज्यों में मौजूदा हालात पर चर्चा की और कुछ सवाल भी किए। जी हां, वो गुजरात मॉडल जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इतनी भयानक तस्वीर आपने कभी देखी है? यह तस्वीर है वडोदरा के SSG अस्पताल की। बच्चे को कोरोना है इसलिए PPE किट पहन के पिता बच्चे को गोदी में लेकर एक बिस्तर में पड़ा हुआ है। इससे बेबस कोई बाप हो सकता है? इससे ज्यादा बेबस कोई व्यवस्था हो सकती है, वो भी गुजरात जैसे राज्य में जिसके मॉडल की दुहाई दी जाती है? और हमारे राजनेता कोरोना के नाम पर सियासत खेलते हैं। अब मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो दैनिक भास्कर में सामने उभर कर आई है आपके स्क्रीन्स पर। गुजरात में अंतिम यात्रा में भी वेटिंग, सूरत में कोरोना से हुई मौतों के बाद चंद घंटों में पहुंची 40 लाशें, अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटे तक इंतजार करते रहे परिजन। ये तो कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। देश में एक तरफ कोरोना तेजी से बढ़ रहा है
और इसी बीच कुंभ मेला जारी है और चुनाव भी। चुनाव प्रचार के वक्त भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए प्रयास करेगी और इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।